हमसे किसी को पहली मोहब्बत नहीं हुई, शायद के उनसे ठीक हुकूमत नहीं हुई। महंगाई बम गिरा के वो मना रहे हैं जश्न, शर्मिंदा किसी तौर हुकूमत नहीं हुई। हालत है बिगड़ती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आप कैसे हैं? माशाल्लाह, वैसे का वैसा ही। मंडी में सुपरवाइजर हैं। अच्छा जी, सारा दिन छोटे आलू और बड़े आलू अलग अलग करते हैं। अच्छा भाई, ये प्यारे आदमी ने परिजाद को फोन करके कह रहे सारे पैसे कुड़ियों को खवाई जाना, रिश्तेदारों के भी सोचो। एक पार्टी की शाहरुख खान ने मिलिया, उन्हें कई जन पंजाबी फिल्म करनी थे, मैं करा सूती बटना गल। सलमान भाई फिर कतरीना धोखा देगी। बुलाते हैं अपना आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली के जनाब मलिक मोहम्मद वहीद। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जवेरिया जावेद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं। क्या और वहीद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सर। अच्छा, शेर भी मैं अपने प्यारे भाई के लिए लाया हूँ। वाह वाह, मलिक मोहम्मद वहीद साहब हैं नून लीगी। अच्छा, मलिक मोहम्मद वहीद साहब हैं नून लीगी और इनके पहलू में एक मॉडल जवेरिया है। ये मॉडलिंग का जो फन है ठाकुर, अजब हुनर है ये। ब्यूटी पार्लर से कैट वॉकिंग तक एक सफर है। सूत्र पीछे वट नहीं कीती, सूत्र पीछे वट नहीं कीती, उन्हें टिड्डों घट नहीं कीती, गन्ने लैके गुड़ नहीं दिता, चंगी वासे जट नहीं कीती, ओनू घुट घुट गलन लाया, चेते पिछली सट नहीं कीती। बहुत मिनते की पत्थर का दिल था नहीं पिघला, जगह मजबूत थी फिर भी मेरा पांव क्यों फिसला। फेसबुक की मोहब्बत अच्छी नहीं होती कैसर, मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरा अपना चाचा निकला। जी वहीद साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, खैरियत से हैं। आई थिंक आप पहली बार आज हमारे पास मेहमान हुए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है सर, आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? हुकूमत के जमाने में भी आप थे, आप उस वक्त क्यों ना आए? ये आपकी मर्जी है, जिसको बुला ले। नहीं नहीं सर, हमारी नहीं, हमें मिलते ही नहीं है, आप लोग इतने बिजी हैं आजकल नून लीग वाले। नहीं सर, आजकल तुम फारिग हैं। अच्छा। मेरा ख्याल था अपोजिशन करने में भी बड़े बिजी हैं या नहीं? नहीं, बात यह है कि इस तरह का वक्त जा रहा है, अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं, अब जो दुख की घड़ी है, जो मरी का जो मामला हुआ है, मैं कहता हूं कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि मैं अपने लीडर की तारीफ करने लगा हूं। जब ये मौसम सर्द आता था तो शहबाज शरीफ साहब लाहौर में कंट्रोल रूम कायम करते थे, कमिश्नर के साहब रास्ते में रहते थे, और ये बर्फान तूफान या कोई ज़्यादा बर्फबारी का होना, वहाँ पर मशीनरी जो थी वो वक्त पर पहुँचाई जाती थी और वक्त पर उसका ऑपरेशन होता था, और ये हाथ से नहीं होने थे। और ये मैं आपको एक बात बताऊं भाई, मैं जवेरिया से बात कर रहा था कि मेरा अपना बेटा वहां पर फंसा हुआ था। अच्छा, और आप यकीन करें कि जिस कर्फ से ये दो तीन दिन निकाले हमने, और वहां पर ना कंट्रोल रूम में रابطہ हो रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था वहां पर। आप यकीन करें, जब रابطہ मेरे बेटे से कट गया तो जिस तरह मेरे खानदान ने और हमने वो वक्त गुजारा, ये खुदा जानता है या हम जानते, ये बिल्कुल फेलियर है इनका। यानी कि आप ये देखें, तीन दिन पहले ये खुद ही कह रहे कि हमने अनाउंस किया कि बर्फानी तूफान आ रहा है और वो उसकी रफ्तार जो है वो 90 है। तो मैं कहता हूँ शर्म करने वाली बात है कि उसका इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अलमिया था, और ये वाकया इन टोटल ही ऑल्दो बड़ी
हम कह सकते हैं कि लकी रहे कि आपके घर वाले इस चीज में से निकल आए बखैरियत, मगर जो फौत हुए वो ऑफकोर्स एक बड़ा सबके लिए कलमिया है और एक बड़ा अफसोस का मकाम था। मैडम आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? आपसे वहीद साहब ने पहले ही बातचीत शुरू कर दी हमने सुना है। हाँ बिल्कुल। तो क्या बातचीत हुई? यही खुद ही से बातचीत शुरू कर दी उन्होंने, आपने पहले पेशरफ्त की? उन्होंने पूछने यार कल जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ले उनसे क्या पूछना भाई, आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? नहीं है, नहीं है। तो फिर वहीद साहब ने क्या बताया? नहीं हम इंट्रो कर रहे थे कि he was introducing himself। अच्छा, तो उसमें इन्होंने बताया कि मैं नून लीग से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने कह रहे सर कि मैं तनु वहीद इमरान लग रहा हूँ। He is right। हाँ, नून लीग का जब टाइम था शहबाज शरीफ, उसने बहुत चीजें कंट्रोल में की हुई थी जो कि अब नहीं है। अच्छा, तो मैंने इनकी बात पे एग्री किया। आपने इनकी बात पे एग्री किया। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं अभी तक नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट वोट होगा। अब जो तो वो अब जो कास्ट करेंगी या वोट, वो किसके लिए होगा, कोई सोचा आपने? नून लीग। नून लीग का ही लग रहा है वोट जाते हुए। शो पे आने का कोई फायदा तो हुआ? कन्विंस करने में कामयाब रहा हूं, ये मेरी पहली जीत है। बिल्कुल, ये बड़ी जीत रही है आपकी। ये ना ना वे अपने हलके से मकान ले दे उन्होंने। ऐसे ये मगर इस तरह एक एक वोट पे अगर मकान लेके देना शुरू है तो फिर तो बहुत मामला खराब हो जाएगा आपके, तो नीचे को 1.5-2 लाख वोटर होगा। बात ये है कि अगर वजीरे आजम साहब लोगों से गलत वादा कर सकते हैं, हाँ, 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने की बातें करते हैं, हाँ, अब मुंह फेरते हैं जब वो गयोर आवाम पूछती है कि वो घर कहाँ है, तो आप भी कर सकते हैं। लतीफा सुना देते, लतीफा 40 मिनट का प्रोग्राम लतीफा सोच के। बादशाह ने कहा कि तू सुरीला बंदा लियाओ जरा अच्छा गाना सुनांदा। वो बादशाह की सल्तनत जो लैके गए, उन्होंने बिठाया, उसको पहला गाना सुनिया तो उन्हें खुश होकर कहा कि उन्हें कहा जा मैं तेन इन्नी मुठियां शर्फियां दीतियां जी। तो बड़ा खुश होया, उन्हें कहा मैं होर अच्छा गावगा तो होर कुछ मिलेगा। उन्हें और अच्छा गाना सुनाया, उन्हें कहा मैं जा तेन इन्निया घोड़ियां नाम च दी। उन्हें फिर अपना अच्छा गाना सुनाया, उन्हें कहा जा मैं तेन इन्नी जागीर लिख के दी। बड़ा खुश होया, उन्हें कहा यार ये सारा कुछ दे जा रहा है। उन्हें अच्छा गाने कोर्स लाया, उन्हें कहा मैं महल भी तेन दिता। उन्हें कहा लगता है बादशाह भी देगा। उन्हें होर सुरीला गाना सुनाया, उन्हें कहा जा मैं तेन बादशाह भी दी। प्रोग्राम खत्म होया, उन्हें कहा बादशाह सलामत मेरे लिए की हुक्म है। उन्हें कहा तू मेरे कन्ना नु खुश किया, मैं तेरे कन्ना नु खुश किया। यानी कि ये घर वाली बात ऐवे ही थी, आपने जवेरिया इसको सीरियसली नहीं लेना। ये देखे पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग ऐसे ही वादे करके चले जाते हैं। आप यकीन करें हमने बड़े तरक्याती काम करवाए शहबाज साहब की बदौलत और अहमदाद शहबाज साहब की बदौलत। ये क्रेडिट सारा मैं उनको दूंगा। सर अगर इतनी अच्छी हुकूमत गुजरी थी नून लीग की, इलेक्शन क्यों नहीं जीत पाए? आपको फिर पता है कि एक आह पीछे से भी उठती है जो सबको भाग के ले जाती है। इमरान खान साहब मैं बताता हूँ कैसे जीते, जिस तरह 3 मरतबा नून लीग वाले नहीं जीते। यानी कि अवाम के वोट से, अवाम के वोट से। दसो भाई मगर आपने कहा कि आज जो है वो पीछे से अवाम की जब आती है तो फिर तो हुकूमत चेंज हो ही जाती है। सर इनका सलाब आएगा, इनका सलाब आएगा अल्लाह की हाकिमियत के बाद। जमीन पर असल हाकिमियत की मालिक ये अवाम है और इनके वोट की ताकत से इंशाल्लाह मियां नवाशी जरूर आएगा। वो जो गरीब लोग हैं आप यकीन करें गयूर वहां में उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं है, और जिनकी बेटियां अभी बहने वाली हैं आप यकीन करें उनके पास उनके हाथ पीले करने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जिस डगर पर हम खड़े हैं ये एक अलार्म है, ये खतरे की घंटी है जो बज चुकी है। अगर ये 1.5 साल और कायम रहा तो मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला माफी दे, मुल्क जो है दिवालिया होने को जा रहा है। जवेरिया बातों से कुछ डर लग रहा है? डर तो लग रहा है बट ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। आपकी बातें जो है हमेशा खवातीन पे असर करती है, मर्दों पे भी उनका असर होता है। सर ये अल्लाह का शुक्र है जब भी मेरे पोलिंग होती है ना तो खवातीन के वोट मेरे ज्यादा निकलते हैं। साढ़े बड़ी सलाब आने वाला है। अच्छा बहुत है सियासत में मगर कच्चा बहुत है। मईशत किस तरह मजबूत होगी कि पैसा मुल्क से निकला बहुत है। यहाँ मकबूल होता है वो लीडर लगाता है मगर खाता बहुत है। आहो आहो आ और वही मेरी कामयाबी का राज है। झूठे बंदे का फोन तक काम करा दो। झूठा बंदा जार है सियासत दे विच कुछ ना कुछ देहो जा काम करदा है। झूठे बंदे नु फड़ के ओदी आप टेंड करदे ने। लेकिन तुहाडी माफी होएगी क्योंकि पहले ही होई।
ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जवेरिया आपको मॉडलिंग की दुनिया में भी कोई प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ये आजकल तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है और आसान भी होता जा रहा है मुश्किल इस तरह कि महंगाई बहुत है तो मैं बहुत सी मेहमान यहाँ पे कहती हैं कि जी हमें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन फील हो रही है महंगी हो गई चीज़ें और आसानी इस तरह के मॉडल बनना थोड़ा सा आसान है कदरे मुश्किल तो सबको हो रही है आजकल लेकिन हमसे ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल हो रही है जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हैं अच्छा जदों ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਾਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੇ ਆਪ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥਾ ਕਿ ਵਾਟ ਲੈਡ ਯੂ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤੇ ਵੀ ਹੈ जी सर लेकिन मैं चूंकि अपने कायदीन के करीब हूँ मगर आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया उनका सवाल ये था कि शुरू में ही यानी कि सियासत में दरअसल मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे चूज किया मैं पहले क्रिकेटर भी था क्रिकेटर अंडर 19 खेल चुका हूँ मैं लेफ्ट आर्म बॉलर था मैं लेफ्ट आर्म बॉलर वसीम अकरम प्लस 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 मैं नहीं अपने को कहूंगा क्योंकि प्लस आजकल माइनस हो रहे हैं अपनी बारी लैके तो धुप च बंदे नूं कह रहे हुंदे चलो बारिश हो रही चली हुण अच्छा तो क्रिकेटर भी थे आप जी मैं क्रिकेटर था लेफ्ट आर्म बॉलर था क्या बात है और वहां से आपको सियासत का ख्याल आया वहां से मैंने कह रहा हूं कि दोस्तों ने चूज किया कि यार पॉलिटिक्स में आए और ये आगे लगे अपने इलाके को खुद ही संवारे और फिर मैं पहला इलेक्शन नाजम का लड़ा अच्छा माशाल्लाह दलेर सियासतदान ने हर बंदे ना गरीब अमीर ना चले जाना है थाने काम में चले गए ने मुजरम छुड़ा हमने ये नहीं देखना कि ये बंदा कौन है ये है कि हमारा एक क्राइटेरिया जरूर है कि हम सच्चे बंदे के साथ बिल्कुल डर जाते हैं उसके साथ खड़े रहते ऐसे हैं ही है और वही मेरी कामयाबी का राज है झूठे बंदे तो फोन तक काम करा देना झूठा बंदा दार है सियासत दे विच कुछ ना कुछ देखो जा काम झूठे बंदे नु फड़ के ओदी आप डेंड करदे ने लेकिन तुहाडी माफी होएगी क्योंकि पहले ही हुई उसके बाद आपने मॉडलिंग की थी और उसके बाद आप मेकअप की तरफ चलेंगी तो इसके आगे भी आपका कोई और प्लान है हम क्यों बताएं हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी है मैंने उनसे पूछा वो ज्वेरिया जी ने आपको नहीं ना पता पहले भी जब आई थी तो फिर वो उन्होंने मैंने तो सवाल उनसे पूछा उनको जवाब देने दे आप अभी सर ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो अब उन्होंने मेरा अभी आगे ऐसे कोई प्लान नहीं है लेकिन अभी वो आपने कहा था ना मैं सोचूंगी तो मेरे बारे में क्या सोचा नहीं मैंने अभी शादी का कुछ नहीं सोचा चलो फिर 10 साल वेट कर लेने कुछ नहीं सोचा उन्होंने तो आप इसके बाद कहाँ ब्रांच आउट करना चाहेंगे ऐसे ही भर्ती करा देने प्लीज माशाल्लाह वादे गए माशाल्लाह सेहतमंद ने प्यारे ने तुम्हें किसी ने पूछा जो तुम सर जिस इलाके च थे ऐसे लगे होंगे या ऐसा चो तो चोरी नहीं होएगी अच्छा सारे थाने दे पहले जाके बैठे होने ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है अगर आपने नहीं गेज कर पाया अच्छा आपको नहीं पता चला कि कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए खूबसूरती के लिए पता चल गया था आपको ठीक है मगर एक्टिंग वगैरह का तो आपको शौक नहीं एक्टिंग का है बट इतना नहीं है इतना नहीं है ठीक है सर आपको कभी क्रिकेट के अलावा भी कोई शौक रहा मिट्टी खांदे ग्रेट ऑनलाइन धोखा हो गया मेरे नाल अच्छा लास्ट वीक आई वेंट टू द जू ओके ओथे मैं सारा जू देखया ते ओथे एलीफेंट है ही नहीं अच्छा मैं फिर इंतजामिया नु जाके मिलया मैं कहया ओ केड़ा जू हुंदा जिहदे विच एलीफेंट ही ना होवे हां बच्चे ते आंदे एलीफेंट दी वजह तों इन्ने भी ओथे ते बैठ के झूठे लेंगे ते जू कमांडा ही ज्यादा उठो है कहंदे ने हमारी हथनी हैज बीन गॉन बहुत हो गई हाय हाय सो मैं कह डोंट यू वरी अबाउट तुसी मेरे नाल कांटेक्ट करो मैं तो नु मंगा के दे ना उन्होंने मेनू 9000 एडवांस दिता ठीक है मैं फिर ऑनलाइन सारे ममालक छान मारे जेरे जेरे हाथी बेचते सन मेनू एक ऑनलाइन बड़ा सस्ता हाथी मिलया दैट वाज ग्रे एंड वाइट बड़ा ही प्यारा लग रहा सी मैं फिर उन्होंने ऑर्डर दिता है उन्होंने फिर मैंने कॉल आई कहते ने हाथी आपका रेडी है डिलीवरी के लिए तो कहाँ डिलीवर करें घर ले आए मैं क्यों कि हाथी जरा घर ही आ जाता है बस मैं सोचा कि मेरी महल्ले के बड़ी वाह वाह होएगी जे मैनू कोई बुआ खड़का के कहे आपका हाथी आ गया है मैं उन्होंने कहा घर पे ही ले आओ और हाथी तेरे को होवे उत्ते तू बैठा होवे लोकी कहन हाथी ते चूहा जा रहे ने कड़े Could you please keep quiet? I don't want to talk to you. If you want to talk, talk to my hand because my face is not listening. Oh, oh,
फिर डब्बा जो उन्हें मैंने दिता है उन्हें कहा इसमें तुम्हारा हाथी है वो मैं खोलिया जी बच्चों के खेलने वाला खिलौना बाकी मैंने फोन आई जा रहे ने जू तो कि हमारा हाथी लेके आते हो कि पुलिस के हवाले करे वो मैं उन्होंने 10,200 रुपया वापस करना अच्छा मैं खर्च कर बैठा कुछ यू पुलिस की मी आई डोंट हैव एनी मनी ऑन मी यू कैन नहीं नहीं उधार लेने नहीं मेरे पास है ही नहीं देने के लिए तू आज शूट आई तू मैंने उनकी जवाब चलो ट्राई कर लो तुम मैं गैर सियासी लोगों को लेंदा एमपी है वो दिस इज गुड गाय केरी पार्टी देने तुम्हारे ख्याल से कौन सी मेरे हिसाब से जिन्ना इन दा बेहतरीन फेस है ए मियां नवाज शरीफ साहब दे जवान दीवाने को दीवाना ही जानता है मियां नवाज शरीफ के दीवाने को दीवाना ही जानता है बाजी केरी पार्टी देने वो मॉडल है वाओ ये कैप है या पटारी है इधर विचों एन निकलना वोटां पाओ वोटां पाओ वोटां पा के ते मियां सामने बुलाओ मियां दे नारे बजे ने ओ मियां साहब आओ ओ मियां दे नारे बजे ने ओ खुश पाओ मलक साहब एनु कहंदे ने इशारों की जुबान समझ नहीं वो आपने कितने देने उसको 10,000 वो कट्ठे तो नहीं ना मिल सकदे जी मैंने 500 भी दोगे तो समझो मेरा काम चल पया कि मेरा गुजारा हो जाएगा मैं कह सकूंगा कि नून लीग वालों के दिल में एहसास है मेरे लिए चलो क्या बात है इसको कहते हैं दीवाने मिल बैठेंगे दो की नाम पा जांदा मलक वहीद साहब मलक वहीद साहब दे नारे बजने बजने दोबारा ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਹਾਏ ਇਹ ਸਰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਹਾਓ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਬਰਜਾਈ ਬਰਜਾਈ ਐਮਪੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਜਨ ਐਮਪੀ ਅਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬਰਜਾਈ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ सिर्फ दो ही बुरकियां लाइया क्यों मैनू खान नहीं दिता उन्होंने हालांकि सब तो ज्यादा मैं खाना मैनू कहते यार समझ नहीं आती जिस प्रोग्राम में तुम जाते हो और जितने टॉक शो हो रहे होते हैं उसमें जो पीटीआई के नुमाइंदे होते हैं वो बड़े वसूख से सीना चौड़ा करके ये क्यों कह रहे होते हैं कि अगले 5 साल भी खान साहब के हैं मैंने कहा सर उनको एतमाद है इस बात पे वो कैसे क्योंकि उनके पास नंबर बहुत ज्यादा है अगले 5 साल के लिए अच्छा देखो ना उन्होंने काम बड़ा किया है लंगर खाने बनाए उनके लिए सेहत कार्ड कहते ना सेहत कार्ड तो अगे भी तो गल कर मैं कह सर सेहत अच्छी हो किसी शायद की लोड़ ही नहीं मैंने कहते ना गल ना कर सही दस मैं कह सर आवाम दोस्त हुकूमत है अच्छा भाई देखो ना रोटी खानी हो लंगर खाने जाओ रोटी खाओ आओ ते पनाह गाज सौ जाओ बीमार हो जाओ सेहत कार्ड तो जाके दवाई लाओ मैं कह सर अगर मजीद कोई प्रॉब्लम हो एहसास प्रोग्राम के दफ्तर जाओ 12,000 रुपए लो बिजली पानी का बिल जमा कराओ मौजा कहंदे ने सही गल दस अगले 5 साल किवें ने मैं कह सर मरियम नवाज साहबा दे बयाना तो उन्होंने लगता है कि अगले 5 साल उन्होंने मिल जाने इस गल ते हल्के जरा ठटके ने कहंदे ने होर कोई गल दस मैं कह सर गल सुनो 5 साल अगले उन्होंने मिल जाने ने तुसी टेंशन ना लवो कहंदे ने तू भी इत्थे वे ते मैं भी अजकल इत्थे ही हां मैं कह सर तुसी इत्थे ही रहना मैं कह उन्होंने तुहानू जाने नहीं देना अच्छा हां जी ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹਸਾਸ
ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ ਦਾਲ ਚਾਵਲ मलक वहीद साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त ने अच्छा सर बड़े नफीस आदमी ने पहले कभी नहीं आए क्यों उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा पुराना साथ है अच्छा एक बार मैं माल रोड से जा रहा सा मैं अचानक मिल गए कहते यार पेट्रोल पवान गए उत्थे मैं जाके उन्होंने कहा पेट्रोल पा दियो ते तेरा मुंह विच दे दिता अच्छा ए सर जुगता करदे ने बड़ियां इन्हां नूं बजाय इधर बहौण दे इन्हां नूं उधर बहौण दे अगले 5 साल पीटीआई दे होए ते फिर इधर ही नहीं उधर अगले बारी जिन्हां ने जितना ही जितना नूं सिर्फ इन्हां ने जितना बरजाई भी जितेगी बरजाई एमपी होएगी ते भाजन अरे वो नहीं उनके सामने आणगे भावे ना उन नाल अरे नाल नहीं भावे वो पीटीआई जोन भावे अरे नहीं वो मॉडलिंग में वही मैं सोच रहा है कि बाजी और यूथ नहीं जेडे पहले इन दे नाल वो और है भाई उनका तो ताल्लुक नहीं भरजाई और ने ए और ने ये मॉडल है वही मैं कह रहा हूं माशाल्लाह भरजाई भी मॉडल है उन ते लोड ही नहीं लाई अरे भाई उनका तो ताल्लुक नहीं करो मैं पहुंच रहे हैं घर जाके कह देना मेरा नाल कोई तलक नहीं भाई कह दे रहे अच्छा वैसे भी नहीं है नहीं यानी बिल्कुल गलबात खत्म ही हो गई गलबात थी ही नहीं हुकूमत गई तो भरजाई भी गई जवेरिया अलग आई हुई है मैं सोच रहा हूं जवेरिया जी तो मेरे क्लास फेलो ने आपके बीबीए कीता मेरी ऑनर दे विच आपके ऑनर में नहीं वैसे ऑनर में किया बीबीए ऑनर कीता ने माशाल्लाह भाई बड़ी खुशी होती है कि आजकल के जो फनकार ने पिछले 10 साल पढ़े लिखे आ रहे हैं उस तो पहले तो सारे वही साबर गए सर नहीं नहीं मैं वैसे मजाक कर रहा मेरे दोस्त बड़े प्यारे है ने अगली हुकूमत है ही इन्हों की जाओ जो मर्जी कर लेकिन दुनिया से अगर कोई सख्त अफसर वेख्या ना तो अपना बबर शेर वेखे मैं घर गया तो भाभी हाथ कड़ी लाई अपनी बीवी गया तो लाई कहना जो मैं सुता ना मेरे पैसे कट लें फजूल गल ना करे कर बच्चे की सोचे पैसे नहीं सी कटते सुता हूं सो तो चपेड़ा मार फोटो हो जाए क्योंकि पुरानी फोटो थोड़ी बहुत पुरानी हो गई है ते अगे फिर अल्लाह खैर किया मेरे बिरा की फिर हुकूमत है हाँ जी तो नैब वाले ने फड़ना ही फड़ना फोटो होनी चाहिए ताजा ताकि उन्होंने देर ना हो जाए मैम कहना यू हैव वन सेल्फी प्लीज माई प्लेयर इतना की मतलब है मैं आपको बताऊंगा बाकी यार टाइम देना मैं आपको दूंगा तुसी ना आज तक टाइम देता है ते ना तुसी हो मेरा पिछला 500 देता सर ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं दो वीआईपी पास है एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाएंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और डॉक्टर फरदोस आशिकवान नहीं आज जवेरिया का नाम नहीं डाला आपने भी मैं आपको क्या इस बात का इंतजार था नहीं जाना अरे उम्मीद ताड़ी पूरी नहीं होगी तुम्हें टेंशन नहीं किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट ऑप्शन है मलिक वहीद साहब और कैसर पिया क्या यही प्यार प्लीज जल्दी कर लीजिए मलिक साहब ने उस वक्त से अपनी जुबान जो है दांतों में दबा के रखी हुई है वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी खबर क्या है रुखमा जी आज की न्यूज साइबर क्राइम के बारे में है इस साल यूएई में साइबर क्राइम के रूल्स की अमेंडमेंट्स की गई जिसमें ये लिखा गया कि एक तो किसी भी शख्स की बिला इजाजत तस्वीर नहीं खींची जा सकती दूसरा किसी भी हादसे की फोटोज को वायरल नहीं किया जा सकता और इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को लाखों दिरहम का जुर्माना और महीनों की कैद की सजा भी मिल सकती है इस तरह का काम साढ़े भी होना चाहिए यकीन करो रोटी खा रहे होंगे बंदा विचो बांब आके कह रहे हैं एक सेल्फी प्लीज होना चाहिए सर बड़े लोग डिस्टर्ब कर देंगे और उसके अलावा एक जनरल ट्रेंड जो है वो है लोगों की प्राइवेसी का जो कि सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा मैं सेलिब्रिटीज के अलावा जो लोग हैं आम आवाम जो है हमारे यहाँ पे एक बिल्कुल उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि कहीं पे भी हम कैमरे से तस्वीरें ले रहे होते हैं सेल्फीज ले रहे होते हैं वीडियोस बना रहे होते हैं उसके अंदर आप ये ख्याल नहीं रखते कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में हैं किसी पब्लिक स्पेस के अंदर हैं
तो आपके कैमरे की जद में पीछे कोई और भी आ रहा है या उस तस्वीर के आगे भी कोई और आ रहा है जिसकी अपनी एक प्राइवेसी है। किसी की भी प्राइवेसी को इन्वेड करना ये एक गलत बात है और इस चीज को बहुत जरूरी है कि आप फोकस करना, बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि ये कैमरे वाला सिलसिला तो मोबाइल में बढ़ता चला जा रहा है, तो इस पे कानून भी बड़ा जरूरी है कि आप किसी से पूछ तो लेंगे अगर पीछे कोई आ गया है आपके तस्वीर के अंदर तो वो क्या इस चीज के साथ एग्री करते हैं कि आप उनकी या उनकी फैमिली की तस्वीर भी बीच में दिखा दें। आपने तो लगा देनी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अगले बेचारे की प्राइवेसी तो गई ना। सर लोग तो ये भी करते हैं कि कोई हादसा होता है, जैसे अभी मेरे रिलेटिव हैं उनके कॉलेज में हुआ था कि एक लड़का स्लिप हो गया था सीढ़ियों से, तो उसकी वीडियोस बना के कॉलेज के ग्रुप में अपलोड की जा रही है उसके स्लिप होने वो की। तो बीबी एक और अलमिया है इस कॉम का जो बन चुका हुआ है कि हादसा या कोई ऐसी चीज हो तो हम लोग अपने कैमरे पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसकी मदद बाद में करते हैं। हाँ, उसकी मदद बाद में कि हमारे पास फुटेज हो, इसे कहते हैं ट्रिगर हैप्पी नेशन है हमें, बेसिकली हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे अकाउंट पे पहले आपने देख ली वो चीज, ये वो वाला एक सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। सर हमारा एक सेगमेंट है, हम जरा आवाम से सवाल पूछते हैं, तो आवाम की तरफ से सवाल आज सबसे पहले कौन उठा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफा कमाल है। मुस्तफा कमाल आपका नाम है, वाह वाह वाह, और आप लाहौर में हैं। और मेरा क्वेश्चन मलक वही साहब से है कि आप पार्टी का लीडर नवाज शरीफ साहब के अलावा किसे देखना चाहेंगे, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज शरीफ साहब को, या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को? बात यह है कि पार्टी कायदीन जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला, या नवाशी साहब जिसको भी आगे लाएंगे इंशाल्लाह ताला, पूरी पार्टी उनके साथ, वो चाहे मरियम नवाज साहबा हो, शहबाज साहब हो, या हमजा साहब हो। नहीं, आप किसको देखते हैं? और ये बंदा सवाल करके बाद जो पता लगता होता है कि काफ लिखता है। वो हर बंदा अपना नजरिया रखता है। बेसिकली जो अभी जो सिलसिला है वो शहबाज साहब के लिए ही कोशिश हो रही है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह शहबाज साहब आइंदा वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। जी बताइए मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया है। मेरा क्वेश्चन है मलक फरीद साहब से कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है और इसमें इतनी ज़्यादा महंगाई है कि जिन लोगों ने इन्हें वोट कास्ट किया था वो खुद परेशान है, और अगर इन्हें मौका मिलता है गवर्नमेंट में आने का तो इसके बाद ये क्या करेंगे और क्या रिलीफ देंगे आवाम को, कैसे कंट्रोल करेंगे इस महंगाई को? हम इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल हुक आलम है और इंतजामिया फेल हो चुकी है, ये मुकम्मल फेलियर है पंजाब गवर्नमेंट का भी और पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग इससे मुतासर हुए हैं। महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कायम की जाती है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल वीक है तो फिर आप डिलीवर नहीं कर सकते, और आप ये देख रहे हैं कि दुकानों पे मनमानी वो कीमतों की हो रही है और कोई भी बैलेंस पे काम नहीं चल रहा, तभी स्टेबल होंगे जब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में सारे मामलात को उसकी जगह जगह पे उसको कंट्रोल करेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला, हम पहले भी आपको पता है कि डेंगू आया था, अब देख रहे हैं कि डेंगू कंट्रोल नहीं है, इस डेंगू ने अभी भी हर घर में मातम बिछाया, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं थी कि इसको काबू कैसे करना है। वो शहबाज शरीफ साहब थे जो हमें सुबह 7 बजे उठा लिया करते थे, और हम स्कूल्स की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर, यूनिवर्सिटियों में जाया करते थे, सेमिनार करते थे, अवेयरनेस देते थे लोगों को, हम बल्कि गली कूचों पे, सड़कों पे आपने देखा होगा हमने पंफलेट पकड़े हुए थे और हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि डेंगू का मतलब क्या है, उससे कैसे बचें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने वज़ीर-ए-आला पंजाब किसी सोए हुए शख्स को वो बनाया हुआ है, अगर वो हलाकतों के बाद मरी के बारे में सोचेगा तो फिर आगे भी यही कुछ होगा जो आप ये देख रहे हैं। जी और कोई सवाल किसी का? जी मैम। माय नेम इज़ फरहीन, मेरा क्वेश्चन मैम जवेरिया से है, क्या आपको अपने करियर में मुश्किलात पेश आई, अगर आई तो आपने उन्हें कैसे फेस किया? इसी फेस से। मॉडलिंग में मुझे ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज तो आई थी स्टार्ट में, मेरी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी, बट विद द टाइम जब टाइम गुजरा और सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो सर 2020 का सेगमेंट है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, तो बेसिकली जवाब देना लाजिम है या इधर या उधर, ये आपकी मर्जी है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? और उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया। बस ठीक है सर, आप ही खेलेंगे अब। मलिक साहब ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हुए हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे भी किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे वो शख्स वहां से वापस नहीं आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं तलाल चौधरी और आबिद शेर अली। काफी मुश्किल में डाल दिया दोनों। ये तो स्टार्ट है अभी ये तो पार्टी शुरू हुई है।
फिर आबद शेर अली को छोड़ूंगा। आबद शेर अली साहब को छोड़ देंगे, ठीक है। सर ये बताना है, आपने मुझे एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, तीन लोग उसमें पहले से मौजूद है, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब। तो ये बताएं कि सबसे पहले आप तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? इनमें से सबसे पहले तस्वीर तो मैं परवेज रशीद साहब के साथ। परवेज रशीद साहब के साथ तस्वीर खिंचाएंगे तो मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? ख्वाजा साहब को मुस्कुरा के। और फ्लोर किसका आ गया है? फ्लोर एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है फिलहाल। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, किनका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब परवेज लाई। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मजबूरी के तहत परवेज लाई। परवेज लाई साहब, ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और डॉक्टर फरदोस आशिकवान। नहीं, आज ज्वेरिया का नाम नहीं डाला आपने भी। मैं आपको क्या इस बात का इंतजार था? नहीं जाना। अरे उम्मीद ताड़ी पूरी नहीं होगी, तुम टेंशन ना लो। ज्वेरिया का इतना ख्याल था लेकिन आई एम सॉरी इस वक्त नहीं नाम डाल सका। माहिरा खान भी। माहिरा खान ठीक है। अच्छा सर ये बताएं, फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किनको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा शहबाज, मोहतरमा मरियम नवाज और ज्वेरिया। यहाँ पर तो मैं जो है ना वो मियां हमजा शहबाज साहब का नाम लूंगा। हमजा शहबाज साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट, ज्वेरिया आपको जैकेट उन्होंने नहीं दी। ये बताइए ज्वेरिया, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, तीन लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक का फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं HSY, दीपक परवानी और सना सफीनास। किसके साथ है सेल्फी? HSY। स्माइल किन को है? सना सफीनास। किसका फ्लोर आ गया है? दीपक। दीपक परवानी का फ्लोर आ गया है। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रही हैं, किनका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। दोनों में से किसी की भी लग जाए। आप बताइए। मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर होगी, वो टाइटैनिक पर जा रही हैं, किसके साथ जाना चाहेंगी? वीआईपी पास है आपके पास। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और उस्मान बुज़दार साहब। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत होंगे वो, ठीक है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती, दो लाइफ जैकेट, एक अपनी दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस हैं मलिक वहीद साहब और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? हाँ, यही इतने पता लगना नहीं थे फिर। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपके पास दोनों मेरे सामने हैं, मैं किसको? जनरल नॉलेज का ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है वैसे। प्लीज जल्दी कर लीजिए, मलिक साहब ने उस वक्त से अपनी जुबान जो दांतों में दबा के रखी हुई है। मलिक भाई, थैंक यू सो मच। ज्वेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।